नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। एक तरफ दिल्ली में मोदी कैबिनेट के मंत्री अब पदभार संभाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि उनके एक मंत्री को अब इस्तीफा देना पड़ेगा। जी हां, आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद का इस्तीफा कुछ ही घंटों में हो सकता है और ये एक बड़ा झटका होगा। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जितिन प्रसाद को एमएलसी बनाया गया और एमएलसी बनने के बाद जितिन प्रसाद को पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री भी दी गई, लेकिन अब जितिन प्रसाद पीलीभीत से सांसद चुन लिए गए हैं, ऐसे में उन्हें मंत्रालय भी मिला है मोदी कैबिनेट में, तो अब जितिन प्रसाद इस्तीफा देने वाले हैं। आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री का पद मिला है और जितिन प्रसाद को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सौंपा गया है। आपको बता दें कि धरहरा से आते हैं जितिन प्रसाद और अच्छा खासा वर्चस्व उनका वहां पर रहा है। कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे, लेकिन फिर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी ज्वाइन की, एमएलसी बनाए गए और फिर योगी कैबिनेट में पीडब्ल्यूडी मंत्रालय जितिन प्रसाद को दिया गया। लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव में जितिन प्रसाद को जब पीलीभीत से टिकट दिया गया तो वहां पर भी उनका शानदार प्रदर्शन रहा। लगभग 52% से ज्यादा वोट जितिन प्रसाद ने हासिल किया और इसके बाद जितिन प्रसाद को तोहफा तब मिला जब मोदी कैबिनेट में भी उन्हें जगह दी गई और राज्य मंत्री बनाया गया। तो नियम के अनुसार अब वो दिल्ली की राजनीति करेंगे जो उन्होंने चुना है, और फिर एमएलसी पद छोड़ते हुए वो पीडब्ल्यूडी मंत्रालय भी योगी सरकार में छोड़ेंगे। अब पीडब्ल्यूडी मंत्रालय किसे मिलता है, ये आने वाला वक्त बताएगा योगी सरकार में। लेकिन फिलहाल जितिन प्रसाद के प्रदर्शन पर अगर गौर फरमाएं तो पीलीभीत से जितिन प्रसाद ने 607,158 वोट हासिल किए। वहीं दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के भगवत शरण गंगवार रहे, जिन्हें 442,223 वोट मिले। वहीं बीएसपी के अनीस अहमद खान तीसरे नंबर पर रहे, जिन्हें 89,697 वोट मिले। तो बहुत बड़ी मार्जिन से जितिन प्रसाद ने पीलीभीत से चुनाव जीता और सांसद बने। फिलहाल अब योगी सरकार से वो इस्तीफा दे रहे हैं, योगी कैबिनेट से इस्तीफा दे रहे हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्रालय संभाल रहे थे और अब वो मोदी कैबिनेट में मंत्री होंगे। फिलहाल जो भी नेता विधायक के साथ सांसद बने हैं, अब उन्हें इस्तीफा देना होगा एक पद से, और जो किसी सरकार में मंत्री थे और मंत्री बने हैं केंद्र में, उन्हें भी अब एक पद से इस्तीफा देना होगा नियम के अनुसार। और इसी नियम के तहत जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश छोड़कर दिल्ली आ रहे हैं और अब वो योगी के सिपाही नहीं, मोदी के सिपाही होंगे।